तो अगर आप 2024 में एक पावरफुल गेमिंग फोन परचेस करना चाहते हो, इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 40,000। तो फ्रेंड्स, जो 40,000 का बजट रेंज है ना, वो एक परफेक्ट बजट रेंज है किसी भी गेमिंग फोन परचेस करने के लिए। इस बजट रेंज में ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन कंपनी के तरफ से एकदम तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप भी इस बजट रेंज में अपने लिए कोई सा बेस्ट गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो, कंफ्यूज हो कौन सा फोन के साथ जाना चाहिए, तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए इस बजट रेंज में आने वाले 5 बेस्ट परफॉर्मेंस वाले फोन को इंक्लूड किया है, जिन्हें आप अभी के टाइम पर 40,000 के प्राइस रेंज पे परचेस कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट हर टाइप के यूजर के लिए स्मार्टफोन्स को सिलेक्ट किया है, चाहे आपको प्रॉपर गेमिंग फोन चाहिए, या फिर गेमिंग के साथ साथ आपको कैमरा भी अच्छा चाहिए, या फिर ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में जो भी फोन आपको दिखाया जाएगा वो सभी गेमिंग के लिए बहुत ही तगड़ा फोन है। तो इनमें से जो भी फोन आपको पसंद आए, बिना झिझक कर आप परचेस कर सकते हो। लेकिन सभी फोन अलग अलग कंपनीज के हैं और हर एक कंपनी के फोन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पैसा लगाने वाले हो आप, और हर एक फोन के बारे में जान लेना, तब आपको पता चलेगा कि आपको किस कंपनी का फोन परचेस करना चाहिए और कौन सा फोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिराम और आप देख रहे हो टेक अभी यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पर जो स्मार्टफोन आता है वो है पोको के तरफ से पोको X6 Pro। तो आपका बजट अभी के टाइम पर 30,000 के आसपास है और इस बजट में आपको एक तगड़ा परफॉर्मेंस सेटिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो नो डाउट अंडर 30,000 के बजट रेंज में अभी के टाइम पे पोको के तरफ से पोको X6 के साथ जरूर जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, इस फोन का 12+256GB रोम वाला वेरियंट भी आपको अंडर 30,000 बजट में मिल जाएगा। बात कर एक्सपेक्ट की, तो यहाँ पर आपको 6.76 इंच की 1.5K की क्रिस्टल रेस एमुलेट पैनल देखने को मिल जाती है, जो कि एक 12-bit वाले पैनल है। 120Hz रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 1800 nits की पीक ब्राइटनेस है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। यहाँ पर आपको बैक में वैगन लेदर और साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है। बात करें प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक की तरफ से डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा एक कमाल के लेवल का 5G प्रोसेसर मिलता है, जिसका अंतुतु काउंट स्कोर आपको 12 से 13 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, Xiaomi के हाइपर OS पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। बात करें बैटरी की, 5000mAh बैटरी और 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। बात करें कैमरे की, बैग में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड, तीसरा कैमरा 2MP का है, और फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको IP54 सर्टिफिकेशन मिलता है, 12 स्टेटस स्पीकर मिलेगा Dolby Vision Atmos के तरफ से, 5000mm स्क्वायर का वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम है। और फाइनली बात करें इस फोन के प्राइस की, तो करंटली इस स्मार्टफोन का 8GB रैम 256GB रोम वाला 25,099 में, 8GB रैम प्लस 512GB रोम वाला 27,999 में मिल जाता है। इसके बाद हमारे लिस्ट के नंबर 4 पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो के तरफ से वीवो V29 Pro। तो अगर आपको अभी के टाइम पे 40,000 के बजट रेंज में कोई ऐसा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए जहां आपको अच्छा कैमरा क्वालिटी के साथ साथ तगड़ा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाए, तो वीवो की तरफ से वीवो V29 Pro को आप परचेस कर सकते हैं। बात करें स्पेक्स की, तो यहां पर आपको 6.78 इंच की 1.5K एमुलेट पैनल मिलती है, जो की 120Hz रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। ये एक कर्व डिस्प्ले है जो की 1300 पीक ब्राइटनेस पे वर्क करती है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक की तरफ से डिमेंसिटी 8200 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलता है, 9 लाख के आसपास इसका अंतुतु स्कोर मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, फन टच OS पे वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करें, तो 4600 की बैटरी और 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करें कैमरे की, बैक में ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है, प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सोनी का IMX766 सेंसर है, दूसरा कैमरा 12MP का पोर्ट्रेट शूटर है, तीसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर है, फ्रंट में आपको 15MP का सेल्फी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर सब अच्छा मिल जाता है। वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा, गेम बूस्टर मोड है। और अगर फाइनली बात करें इस फोन के प्राइस की, तो करंटली इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 256GB रोम वाला वेरियंट 39,999 में मिल जाएगा। अब बात
कर लेते हैं हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर पर जो फोन आता है वो आता है वन प्लस के तरफ से वन प्लस 12R। तो अगर आपको 40,000 के बजट में कोई सा एक वेल बैलेंस स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये फोन कमाल का फोन होने जा रहा है। यहाँ पर आपको 6.78 इंच की 1.5K प्रो XDR एमुलेट पैनल देखने को मिल जाती है जो कि एक ब्यूटीफुल 3D कर्व पैनल है। 120Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 1600 nits की नॉर्मल पीक ब्राइटनेस और 4500 nits तक की आउटडोर ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का सपोर्ट है। बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलता है। साइड फ्रेम एल्युमिनियम की दी गई है। इन हैंड फीलिंग बहुत ही अच्छी है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि गेमिंग के लिए एक कमाल का प्रोसेसर है जिसका अंततः स्कोर 12 से 13 लाख के आसपास आता है। ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। ऑक्सीजन ओएस 14 पे वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 5500 mAh का बैटरी और 100W का सुपर वोक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। बात करें कुछ गेमिंग फीचर्स की तो यहाँ पर आपको सेगमेंट का लार्जेस्ट 9140 mm का वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। 12x एटमोस की तरफ से स्पीकर देखने को मिलेगा आपको। बात करें कैमरे की, बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, सोनी का IMX890 वाला सेंसर है, दूसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड, तीसरा कैमरा 2 MP का यूजलेस माइक्रो शूटर है, फ्रंट में 16 MP का सेल्फी मिलता है। ओवरऑल कैमरे की क्वालिटी अच्छे देखने को मिल जाती है। और अगर फाइनली बात करें इस फोन के प्राइस की तो करंटली इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला आपको मिलेगा 39,167 रुपए में। इसके बाद हमारे लिस्ट के नंबर सेकंड पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है iQOO के तरफ से iQOO Neo 9 Pro। अगर आपका बजट अभी के टाइम पर 35 से 40,000 के आसपास है और इस बजट रेंज में आपको कोई सा अल्टीमेट लेवल परफॉर्मेंस सेटिंग स्मार्टफोन चाहिए या फिर आपको e-sports लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए कोई सा एक तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए तो iQOO का iQOO Neo 9 Pro के साथ आप जा सकते हैं। बात करें स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको 6.78 इंच की 1.5K का एमुलेट पैनल देखने को मिल जाती है जो कि फ्लैट डिजाइन के साथ आती है। 10W वाला पैनल है। 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। 1400 तक नॉर्मल पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। 3000 nits इस फोन में आउटडोर पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलने वाला है। फिंगरप्रिंट का जो लोकेशन है वो थोड़ा सा नीचे के साइड है, बाकी बैक साइड में बैगन लेदर वाला डिजाइन मिलता है फायरी रेड वाले वेरिएंट में। अगर आप ब्लैक वाले वेरिएंट के साथ जाते हो तो ग्लास बैक मिलेगा और साइड फ्रेम आपको पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिलती है। इन हैंड फील अच्छा है। बात करें प्रोसेसर की, यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 वाला प्रोसेसर मिलता है। सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप दी गई है। इस फोन का अंततः स्कोर 15 से 15,500 के आसपास देखने को मिल जाती है। ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। फ्रंट टच ओएस 14 पे आपको वर्क करते हुए मिलेगा। बैटरी की बात करें तो 5160 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 120W तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। ड्यूल स्टेटस स्पीकर मिल जाता है। 6K VC कूलिंग सिस्टम दिया गया है। बात करें कैमरे की, बैक में ड्यूल कैमरा सपोर्ट मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP का सोनी का IMX920 फ्लैगशिप सेंसर मिलता है, दूसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है आपको। और अगर फाइनली बात करें इस फोन के प्राइस की तो करंटली इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 256GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 38,999 रुपीस में। अब बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के लास्ट फोन नंबर फर्स्ट पर जो फोन आता है वो आता है iQOO के तरफ से iQOO 11। ये स्मार्टफोन एक जनरेशन पुराना है। नॉर्मली ये फोन 50 से 52,000 के आसपास प्राइस में आता था पर अभी के टाइम पे प्राइस ड्रॉप के कारण आपको 42,000 के बजट रेंज में मिल जाएगा। अगर आप अपने बजट रेंज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आपको iQOO का एक प्रीमियम फोन चाहिए जहां पर अच्छा प्रोसेसर, अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो तो आपके लिए iQOO 11 एक बहुत ही सही चॉइस हो सकता है। बात करें स्पेक्स की तो यहां पर आपको 6.78 इंच की 2K तक की E6 एमुलेट पैनल देखने को मिल जाती है जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलता है। वीवो की तरफ से V2 चिप भी दी गई है। अंततः
स्कोर इस फोन का 13 से 14 लाख के आसपास मिलता है। BGMI आप 90 FPS में कर सकते हो। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है। फन टच OS 13 पे वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी और 120 W का सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करें कैमरे की, बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 MP का है, सैमसंग का G5 वाला सेंसर है, दूसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड, तीसरा कैमरा 13 MP का पोर्ट्रेट और टेलीफोटो जूम लेंस है। फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। इस फोन के मेन कैमरे से आप 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। और अगर फाइनली बात करें इस फोन के प्राइस की, तो करेंटली इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 256GB रोम वाला वेरियंट आपको मिलेगा 40,999 रुपीस में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के इस वीडियो के लिस्ट की 5 बेस्ट गेमिंग फोन जिन्हें आप अभी के टाइम पे 30 से 40,000 के बजट रेंज में परचेस कर सकते हैं। और 5 से 1 नंबर सिर्फ फोन काउंट के लिए थी। सभी फोन कमल का है। आपको जो भी फोन पसंद आए, आपके बजट के अंदर है, उस फोन को आप परचेस कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में आप भी जुड़ सकते हो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।